अलीगढ़ में बकरीद पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। इस दौरान शासन की गाइडलाइन का पालन लोगों ने स्वेच्छा से किया। शासन के संदेश के अनुसार ही नमाज पढ़ी गई। नमाज शांतिपूर्वक और सुरक्षित माहौल में अदा की गई। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखिए। साथियों नमस्ते, आइए यहाँ आज दो माह दर्शन के बाद में ईद बीत जाने के बाद में आज ये बकरीद का त्यौहार है जो मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये मनाया है। आज मैं यहाँ ऊपरकोट पर हूँ और मेरे साथी हैं यहाँ सभी लोग, देखिए ये मेरे पीछे जो है ये यहाँ ऊपरकोट की मस्जिद है। हाँ, इस मस्जिद में यहाँ हजारों की तादाद में लोगों ने आज अपनी नमाज अदा की है और मुल्क के तरक्की करने के लिए सभी लोगों ने दुआएं मांगी। डेली न्यूज के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आ रही हूँ। आज के त्यौहार के बारे में बताओ, आज का कैसा त्यौहार रहा? बढ़िया त्यौहार है, पंचायत सही है। आपका नाम क्या है भैया? शोएब। बड़ी आज का त्यौहार बहुत बढ़िया मना है, और ईद के बारे में क्या कहना चाहोगे लोगों से? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और आज ईद के संबंध में बताएं आज कैसा रहा त्यौहार? जी बकरीद बढ़िया हुई है, कोई परेशानी नहीं है, प्रशासन की तरफ से अच्छा इंतजाम हुआ, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, सब काम बढ़िया हुआ, बड़े खुशहाली ईद मनाई गई, सबको ईद मना। चलिए, और सफाई वफाई की व्यवस्था कैसी? सफाई वगैरह सबसे। क्या नाम है आपका? आवाज से बोलो, जोर से बोलो भाई, क्या नाम है? आसिफ। हाँ आसिफ भाई, बताइए ईद के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये दो महीना दस दिन के बाद आपकी ईद के बाद में ये बकरीद आई है, क्या कहना चाहोगे लोगों के लिए? ईद मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बताइए, क्या कहेंगे? ईद मुबारक कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप। नहीं चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। ईद ही बोल देते हैं, कोई बात नहीं। आज ईद का त्यौहार मनाया गया है, इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थी। पीस कमेटी की मीटिंगें की गई थी, सब लोगों को साथ में लेते हुए बताया गया था जो शासन के संदेश हैं और गाइडलाइंस वो बताई गई थी, उसका अनुपालन सब ने स्वेच्छा से किया है और आज जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप नमाज पढ़ी गई है। साथ ही साथ शांतिपूर्वक और सुरक्षित माहौल में त्यौहार मनाया गया है। इस संदर्भ में सेक्टर स्कीम लगाते हुए और पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए लगाया गया था, जिसके मद्देनज़र आज सुरक्षित और समरसता के साथ त्यौहार संपन्न हुआ है। धन्यवाद।